तो भैया पिछले बार वाइल्ड वेस्ट बॉस को हरा कर हमने उस वर्ल्ड को खत्म कर दिया भैया, बहुत मजा आया। अब अगले वर्ल्ड की बारी है जिसमें हम खेलेंगे भैया। ओए अगला कौन सा वर्ल्ड है, कौन सा खेलने वाले हैं हम? देखते हैं भैया इस बार हम कौन से वर्ल्ड में जाएंगे। तो एडवेंचर में टाइप करते हैं भैया और देखते हैं कि कौन से वर्ल्ड अपना अगला है भैया जिसको हमको अनलॉक करना है। देखिए और ये मैप ओपन हो रहा है और देखिए ये तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था। ओए हाँ ये तो वाइल्ड वेस्ट वाला है, इसे तो हमने खत्म कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉस्ट बाइट केव्स। ओके अच्छा अब हम प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में जाएंगे जबकि जिस समय ग्रेट जो फ्रोजन वर्ल्ड आया था वो था, जिसे आइस एज भी कहते हैं। ओके फ्रॉस्ट बाइट केव्स, तो अब इसको खेलना चालू करते हैं। हाँ भैया इसमें सारे वर्ल्ड जमा हुआ रहता है भैया, बर्फ से जमा हुआ रहता है और इसमें हमको खेलना है। और इसमें तरह तरह के चीज़ें आती हैं भैया, तरह तरह के ज़ॉम्बीज आएंगे, तरह तरह के प्लांट्स मिलेंगे भैया। ओ ये क्या दो दो वॉलनट वो भी जमे हुए हैं बर्फ में, पूरी तरीके से जमे हुए, ये क्या हो रहा है? अगर यहाँ पर इतनी ठंडी है तो हम इसमें सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? अरे ये तो बहुत ही मुश्किल है। अरे नहीं भैया वैसे हमको प्लांट्स भी मिलेंगे ना, देखिए अभी तो सब जमा हुआ है लेकिन हम जैसे जैसे इसमें खेलते जाएंगे वैसे ये हटता जाएगा भैया। इसमें तरह तरह के गर्म प्लांट्स मिलेंगे हमें मिलेंगे भैया, जिससे इतना ज़्यादा फ्रीज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है भैया पी शूटर इन्हें मार मार कर तोड़ सकते हैं भैया। तो सबसे पहले सनफ्लावर ले लेते हैं और डबल सनफ्लावर ले लेते हैं और हमको वॉलनट तो चाहिए ही चाहिए भैया, पी शूटर भी रख लेते हैं। जैसे ही आप पी शूटर प्लांट करेंगे ये सबसे पहले फ्रीजिंग वाले प्लांट को तोड़ना चालू करेंगे भैया। और इन ज़ॉम्बी अगर कोई प्लांट फ्रीज हो जाता है तो उसे ऐसे ही क्रॉस कर कर चले जाते हैं भैया, उसको देखते हुए नहीं है, यानी कि फ्रीज हुआ प्लांट काम ही नहीं करता भैया जो उसे काम करना चाहिए। तो जैसे सनफ्लावर अगर फ्रीज हो गया तो वो सन देना बंद कर देगा, अगर वॉलनट फ्रीज हो गया है तो ज़ॉम्बी उसे पार करके निकल जाएंगे, और अगर पी शूटर फ्रीज हुआ है तो वो पी शूट करना बंद कर देगा भैया। हाँ ये ऑप्शन अच्छा रहता है भैया कि ज़ॉम्बी उनको खाते नहीं है, वो वैसे के वैसे रहता है। देखिए तो हम पहले पी शूटर शूट करना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये इनके ऊपर हमला कर रहा है भैया, धीरे धीरे इनको तोड़ना चालू करेगा। तो एक काम करते हैं बीच वाले में वॉलनट रख देते हैं। देखिए यहाँ हैंड का एक निशान है भैया, ऊपर और नीचे बना हुआ है, तो यहाँ जैसे ही ज़ॉम्बी जाते हैं वो उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। देखिए फ्रीज वाले को ये आराम से क्रॉस कर गया भैया, ना ही उसे कुछ किया और ना ही उस पर हमला किया भैया। देखिए ऐसे ही करना है, अब आपको दिखाता हूँ भैया, ये हैंड वाला जो ऑप्शन है वो ज़ॉम्बी को खसका देता है दूसरे साइड में भैया। ऐसे खूब सारे ट्विस्ट भरे मैप मिलेंगे भैया जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको किस साइड वॉलनट रखने हैं और किस साइड नहीं। ओ ये तो काफ़ी ट्रिकी लग रहा है, अरे मैंने सोचा बहुत इजी होगा लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी मैप खेलने में मज़ा आता है। हाँ भैया देखते हैं, देखिए हमारे पी शूटर तो सही काम कर रहे हैं, तो हमने ये ब्लूम रैंक लिया है भैया, ब्लूम रैंक थोड़ा अच्छा काम करेगा। देखते हैं भैया, देखिए अब पी शूटर ने मार मार कर दोनों जो फ्रीज वाले वॉलनट थे उनको एक्टिव कर दिया है भैया। अब ज़ॉम्बी आएंगे तो अब उन्हें खाएंगे भैया। देखिए और बीच बीच में ठंडी हवा चलते रहती है भैया जो कि ये प्लांट्स हमारे जो प्लांट हैं उनको फ्रीज करती रहती है, तो हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ता है भैया कि वो अनफ्रीज हो जाए। तो आगे हमको ऑप्शन मिलेंगे, अभी तो फ्रीज नहीं हो रहे हैं तो खेल सकते हैं भैया। और ये सब ये दिखाने के लिए है भैया कि आप कैसे खेल सकते हैं इस गेम को। देखिए भैया ओए ठीक है यहाँ पर इस गेम को लगा लिया, उसके बाद अगला गेम मैं खेलूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ इसमें समझ में आ गई है जो पहले मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ओए ठीक है खेल ले, तो अभी तो इसमें केवल एक ही ह्यूज वेव आने वाली है तो उसके लिए कम से कम तैयारी करके रखेंगे, तो जहाँ पर जो हैंड बना हुआ है वहाँ उतने ज़्यादा प्लांट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि जो ज़ॉम्बी है वो खसक के यहीं आ जाएंगे तो बीच वाले हिस्से में मुझे अच्छे प्लांट्स रखने पड़ेंगे और साथ में अटैक भी अच्छा रखना पड़ेगा ताकि हम सबको संभाल सकें। हाँ भैया अभी आपको सब चीज़ें समझ में आ गई, तो बाद में ये खतरा भी रहता है भैया, तो जिसमें देखिए एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं वो खसक कर बीच वाले में आ जाएंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी भैया। इसमें आगे बहुत सारे टाउन के प्लांट्स अनलॉक होंगे भैया जो इस लेवल में हमको मदद करेंगे भैया। देखिए अभी तक तो सब सही चल रहा है, हम आराम से खेल रहे हैं, किसी वक्त एक ह्यूज वेव आने वाली है भैया, देखिए आखिरकार एक ह्यूज वेव आ गई,
तो आपके पास चार के चार फूड प्लांट्स भी बाकी है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इतने सारे आ रहे हैं ज़ॉम्बी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं भैया, आराम से हम कर लेंगे इसे। ओ यहाँ प्लांट फूड यूज़ कर ले, जल्दी से इनका खात्मा करते हैं, उसके बाद हम अगला लेवल देखेंगे कौन सा है। हाँ भैया, इसमें तरह तरह के ज़ॉम्बी आने वाले हैं आगे भैया, और उनसे फाइट करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट भी मिलेंगे भैया हमको। देखिए तो पहला लेवल तो आराम से क्रॉस हो गया, तो बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये देखिए भैया, एक प्लांट अनलॉक हुआ है, इसका नाम है हॉट पोटैटो। इसे किसी भी फ्रीजिंग प्लांट के ऊपर डालेंगे भैया तो वो तुरंत ही गल जाएगा। देखिए बहुत काम का प्लांट है, इसको लेना ही पड़ेगा भैया। ओए ठीक है, अगला लेवल देखते हैं। तो अगले लेवल में क्या है? ये सब प्लांट पूरे फ्रीज हैं, और साथ में पहले तो हमारे केवल वॉलनट थे, वो भी दो थे, इस बार तो पी शूटर्स भी है, ऊपर से छह प्लांट फ्रीज हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्लांट है। हॉट पोटैटो हमें पहले से दिया हुआ है, उसके अलावा हमें लेना पड़ेगा सनफ्लावर, ट्विन सनफ्लावर रख लेता हूँ, एक रख लेता हूँ वॉलनट, एक पी शूटर रख लेता हूँ और एक रिपीटर रख लेता हूँ। अब देखता हूँ इस लेवल में कौन सा प्लांट काम आएगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, केवल बोंग चॉय एक ले सकता हूँ जो पिछले बार भी लिया था। तो एक काम करता हूँ, बाकी सब तो लॉक्ड है, कोई भी अनलॉक नहीं है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बोंग चॉय को वापस ले लेता हूँ। देखिए नीचे तक पूरा देखा मैंने, पर पूरे के पूरे लॉक्ड है। कोई बात नहीं, जो अनलॉक है उन्हीं से खेलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लांट हैं उन्ना जो कि बहुत बाकी अभी है, हमने तो कुछ भी अनलॉक नहीं किया अभी तक। हाँ भैया, इसमें से कुछ प्रीमियम प्लांट है, तो वो अभी बोंग चॉय के साथ स्टार्ट करते हैं भैया, उसे बाद में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हॉट पोटैटो हमारे पास पहले से ही है, तो एक काम करते हैं पहले सनफ्लावर लगाते हैं भैया। ओए रुक जा, मैं खेलता हूँ। पहले हम सनफ्लावर लगाएंगे, फिर दूसरा वाला खाली जगह पे लगाएंगे। अब जैसे ही ये मेरा हॉट पोटैटो अनलॉक होगा, उसे मैं लगाता हूँ किसी प्लांट के ऊपर। रुक जा एक मिनट, इसे सेलेक्ट करने दे, किस प्लांट के ऊपर लगाऊँ, इसे रखता हूँ। ओ ये तो तुरंत ही गल गया, क्या बात है, ये तो बहुत ही काम का है, उसे तुरंत ही अनफ्रीज कर दिया, क्या बात है। अभी मैंने यहाँ पर डबल सनफ्लावर रख लिया है, एक और हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं पी शूटर के ऊपर रख देता हूँ, पी शूटर तुरंत एक्टिव हो गया, उसे अटैक करने लगेगा। अरे भैया अब तो दो दो ज़ॉम्बी आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए भैया। अरे बीच वाले को आपने कर दिया, बहुत बढ़िया भैया, लेकिन सबसे ऊपर वाले के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए भैया वो तो आता जा रहा है। ओए रुक, मेरा हॉट पोटैटो भी अनलॉक हो गया है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं बीच वाले में रख दिया, एक में यहाँ पर पी शूटर रख देता हूँ। ओए ये क्या हुआ, ये तो ठंडी हवाएं आई और फ्रीज करना चालू कर दी मेरे प्लांट्स को, देख कैसे अचानक फ्रीज होना चालू हो गए। अभी लगभग मैंने हर प्लांट को अनफ्रीज कर दिया, एक पी शूटर बाकी था उसको भी अनफ्रीज कर दिया। अब सही है, अभी सभी जगह मेरे सही सही प्लांट लगे हुए हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि और जहाँ मेरे जो प्लांट नहीं लगे हुए हैं वहाँ भी पी शूटर लगाना चालू करता हूँ। हाँ भैया देखिए, बीच बीच में ये हवा आते जा रही है भैया, और अचानक ही आपके प्लांट को फ्रीज करते जा रही है, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है भैया। देखिए नीचे से आना चालू हो गया है, तो सबसे पहले इस पर प्लांट फूड यूज़ कीजिए भैया। अब बढ़िया है, एक प्लांट फूड से ही आपके बहुत सारे काम हो गए भैया। सनफ्लावर जो फ्रीज हो गया था उसको अनफ्रीज कर दिया। देखिए लगातार इसमें प्लांट फ्रीज होते जा रहे हैं, दिक्कत की बात है भैया। ओ यहाँ ऐसे में अचानक से प्लांट फ्रीज होंगे तो हम कैसे खेलेंगे, हालांकि फाइनल वेव आ गई है और इसमें अचानक ही प्लांट फ्रीज होना चालू हो जाते हैं, सबसे मुश्किल के काम है। अब मैं कितनों को अनफ्रीज करता रहूँगा, देख कितने सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। हाँ भैया, लेकिन तैयारी तो है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बोंग चॉय सबको मार देगा। उसके अलावा आपने फूड प्लांट भी बहुत सारे रखे हुए हैं भैया, बढ़िया है। सबसे नीचे में भी आपने बोंग चॉय लगा दिया और एक पी शूटर रख दिया भैया, बढ़िया है। बस नीचे वाले बाकी हैं, तो सेकंड लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओ यहाँ सेकंड लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया, तो देखते हैं अब हमको कौन सा प्लांट अनलॉक होगा। ये तो बहुत काम का है हॉट पोटैटो, अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। हालांकि हवा आते जाती है तो अचानक ही प्लांट को फ्रीज करते जाती है, बहुत ही मुश्किल है इसमें। हाँ भैया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल्स और भी हार्ड होते जाएंगे भैया, और उनको खेलने का अपना अलग ही मज़ा होगा। देखिए यहाँ पर दो ज़ॉम्बीज फ्रीज हैं भैया, और ये थोड़ा यूनिक टाइप का लेवल है भैया। देखिए इसमें लाइन से हैंड बने हुए हैं जो ज़ॉम्बियों को अचानक ही इधर उधर देना चालू करेंगे भैया, एक डायरेक्शन में सबके सब हैं, तो
तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया कि कहाँ पर किसको लगाना है। और ये देखिए भैया, इवेंट वाला बहुत काम का है, ये फ्रीजिंग वाला हवा छोड़ता है भैया, जिससे ज़ॉम्बी फ्रीज हो जाते हैं और पीछे की ओर ढकेले जाते हैं भैया। तो आपको ये मिला है, ओके, आपने वहाँ प्लेस किया, बढ़िया है। ओए रुक जा, मुझे समझ में आने दे, रुक जा मुझे समझ में देखने दे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे ऊपर में रखूँगा प्लांट, तो वो अनफ्रीज वाले जो फ्रीज वाले ज़ॉम्बी हैं उनको मारना चालू करेगा और उनको फिर वापस वो कर देगा। एक बार इसको यूज़ करके देखता हूँ। अच्छा, फ्रीज कर दिया ज़ॉम्बियों को। हाँ भैया, केयरफुली प्लांट कीजिएगा भैया। देखिए भैया, जैसे ही ज़ॉम्बियों को आपने, सॉरी, प्लांट को ऊपर वाले में रखा है, तो वो अब इनको अनफ्रीज करना चालू कर रहा है भैया। देखिए कैसे तोड़ता जा रहा है, जैसे ही इनको तोड़ेगा ये वापस आकर हमला करना चालू कर देंगे भैया। वैसे भी इनकी पोजीशन बहुत पास में है, और अच्छा किया भैया आपने ये प्लांट को यूज़ कर लिया। ओए रुक जा, मुझे समझ में करने दे, क्योंकि यहाँ पर तो इतने सारे ज़ॉम्बी हैं और घूम घूम के आते जा रहे हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है, ये हवा वाला जो प्लांट है वो बहुत अच्छा है, वो ज़ॉम्बियों को सबसे पीछे ढकेल देता है, उनकी स्पीड भी बहुत कम कर देता है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। देख, अब ये खतरा चालू हो गया है, अब कुछ करना पड़ेगा। एक प्लांट फूड यूज़ करके देखता हूँ, तो बढ़िया है, ख़त्म हो गए। अरे भैया, नीचे से देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा भैया। ओए नीचे से भी आ रहे हैं और ऊपर से भी आ रहे हैं, देख कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। मुझे जल्दी से फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना तो ये मेरे प्लांट खा जाएंगे, और मेरे पास कोई प्लांट फूड भी नहीं है। ओहो, प्लांट फूड नहीं है तो क्या हुआ भैया? देखिए, अब पहला ह्यूज वेव आने वाला है, तो ज़ॉम्बियों का ढकेल सकते हैं भैया, ऐसे एकदम पीछे कर सकते हैं। जब आपके पास ये फ़ैन आएगा भैया, तो ये बहुत काम का है। देखिए, जितने भी ज़ॉम्बी आते हैं उनको आप तुरंत ही पीछे ढकेल सकते हैं। ये एडवर्स सिचुएशन के लिए रखिएगा भैया, जैसे जैसे ज़ॉम्बी आते जाएंगे उन्हें तुरंत ही ऐसे फ्रीज कर दीजिएगा भैया, पीछे ढकेल दीजिएगा। ओए हाँ, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बीच वाले में मेरे ज़्यादा प्लांट नहीं थे, वहाँ पर रख दिया मैंने, और बीच बीच में प्लांट फूड यूज़ करता जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सही चल रहा है अभी तक। पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इतने सारे ज़ॉम्बी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, सबको पीछे करना पड़ेगा। हाँ भैया, देखिए तो, बाप रे बाप, इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ, अरे बाप रे, देख सबको पीछे करना पड़ेगा भैया, क्योंकि सबके सब आते जा रहे हैं भैया। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी है, क्योंकि फैन से पीछे करते हैं इनको। ओए हाँ, कितने सारे ज़ॉम्बी हैं, बाप रे बाप। लेकिन ये अच्छा बात है कि पीछे पीछे ये फैन आता जा रहा है, ताकि हम ज़ॉम्बियों को पीछे ढकेल सके। फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मैंने बहुत सारे प्लांट रख दिए हैं। सेकंड लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर मेरे केवल दो ही प्लांट हैं, वो भी सिंगल सिंगल पी शूटर। हालांकि ये अच्छा है कि बीच में ये फ़ैन यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हें लगा दे रहा हूँ। और थर्ड लाइन भी मेरी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन वहाँ प्लांट भी बहुत सारे हैं मेरे। हाँ भैया, देखिए इस सेटअप में आप कैसे करेंगे, हालांकि हमको जीतना चाहिए भैया। और एक और ह्यूज वेव आने वाली है भैया, तैयार रहिएगा। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ओए हाँ, ये फैन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि खूब सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं एक साथ। बस भैया, थोड़े से ज़ॉम्बी और हैं, इनको अगर ख़त्म कर दिए तो ये लेवल आराम से क्रॉस हो जाएगा भैया। ये अच्छा किया भैया, उनको तुरंत ही पीछे कर दिया। देखिए दो दो लेवल पे भैया, सेकंड और थर्ड लेवल पे इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। बाप रे बाप, अरे बाप रे, इतने सारे ज़ॉम्बी, क्या बताऊँ भैया, अरे बाप रे। ओए मुन्ना, तो फिक्र मत कर, मेरा प्लांट का सेटअप बहुत अच्छा है, मैंने उन्हें रोक के रखा हुआ है, और बीच बीच ये फैन को यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे ज़ॉम्बी मरते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देख, थर्ड लेवल वाले तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, और सेकंड में थोड़े बहुत बाकी है, वहाँ पर क्योंकि मेरे पी शूटर ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो प्लांट फूड मेरे पास आ गया है, तुरंत ही प्लांट फूड यूज़ करके उनको ख़त्म करता हूँ। लेकिन प्लांट फूड लैग, अब ज़ॉम्बी नहीं बाकी हैं, लगभग सबके सब ख़त्म हो गए, और ये लेवल भी जीत गए हम, क्या बात है। हाँ भैया, बढ़िया है, ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया। तो देखिए ना भैया, अपने फ्रॉस्ट बाइट जो केव्स है वो उतने टफ नहीं है, वरना बहुत मुश्किल होती है भैया। देखिए आपके पास फूड भी अच्छे अच्छे आते जा रहे हैं भैया, जो प्लांट है वो भी अच्छे अच्छे आते जा रहे हैं, तो आराम से अपने स्ने भी कर लिया भैया। ओ हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा ये लेवल बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। ओए ये तो थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें सिर्फ ये दो हैंड बने हुए हैं, इसका थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, सनफ्लावर जरूरी है, टू सनफ्लावर चाहिए, वॉलनट चाहिए,
उसके अलावा मैं देखूँ वो हॉट पोटैटो कहाँ पर है। हॉट पोटैटो का मुझे जगह नहीं दिख रहा कहाँ पर है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको रख लेता हूँ क्योंकि फ्रीज़ हो जाते हैं मेरे प्लांट्स। उसके बाद अब पी शूटर लेना चालू करता हूँ, तो इनको क्या फ्रीज़ कर सकते हैं क्या? अगर मैं आइसबर्ग लेटेस लूँ तो ये क्या ये फ्रीज़ हो जाएंगे? तो फिलहाल के लिए तो मैंने एक पी शूटर और एक रिपीटर लिया हुआ है, उसके अलावा बॉन्ग चॉय ले लेता हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही है। हाँ भैया, बस एरो का ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि एक एरो नीचे पॉइंट आउट कर रहा है और दूसरा एरो ऊपर की ओर। तो अब देखिए भैया, जल्दी जल्दी हम सनफ्लावर लेते हैं, दूसरा भी जल्दी प्लांट करते हैं भैया। ओ एरो किसे मैंने मुझे खेलने दे। तो सनफ्लावर तुरंत प्लांट किया, अब ट्विन सनफ्लावर आ गया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पी शूटर मैंने लगा दिया, सबसे नीचे ज़रूरत थी। उसके अलावा देखने दे मुझे, अरे इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं, कैसे करूँगा मैं? अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये कैसे हो गया? पहले तो धीरे धीरे ज़ॉम्बी आते थे, अब एक साथ इतने सारे ज़ॉम्बी आएंगे तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पर मैंने एक वॉलनट रख दिया है, ऊपर वाला ज़ॉम्बी बस प्रॉब्लम करेगा, बाकी तो सब जगह ठीक है। हाँ भैया, जल्दी से एक पी शूटर रखिए भैया वहाँ पर। अच्छा हुआ टाइम भी आपने रख दिया। देखिए भैया, बहुत मुश्किल थी, सबके सब एक साथ आ रहे थे, बाकी सब लेवल में ऐसा नहीं होता था भैया। अभी तो सब जगह ज़ॉम्बीज आना चालू हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, आपने सब जगह ऑलमोस्ट ये पी शूटर रख दिए हैं भैया। और यहाँ पी शूटर्स रखने के कारण मेरे पास अभी सनफ्लावर रखने का टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी मेरे पास केवल दो ही सनफ्लावर है और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे जल्दी जल्दी प्लांट करना पड़ेगा, ट्विन सनफ्लावर रख लेता हूँ। और ये मंकी टाइप का कौन सा ज़ॉम्बी है और ये क्या फेंक रहा है? ओह, इससे तो मेरे प्लांट फ्रीज होते जा रहे हैं, लगता है ये आइस का टुकड़ा फेंक रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ भैया, इससे बच के रहना है। देखिए वो आपके प्लांट्स को तुरंत ही फ्रीज करना चालू कर देता है भैया, तब आप प्लांट को यूज़ नहीं कर पाते। जल्दी से प्लांट फूड डालकर उसे मार दीजिए भैया, वरना वो ऐसा ही आपके सब प्लांट को फ्रीज करता जाएगा, बहुत खतरनाक है भैया। ओए क्या बात है, इसमें जो ज़ॉम्बी है वो तो हमला भी करते हैं, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो ठंडी हवाएं हैं जो हमारे प्लांट को फ्रीज कर देती है, उसके अलावा ऐसे मंकी आना चालू हो जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इस लाइन में भी मंकी आना चालू हो रहा है, तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर डबल एक सन रिपीटर रखना चालू करता हूँ ताकि वो उसे मार सके। तो बहुत ख़तरनाक है, और ये अटैक करना चालू करता है तो बाकी प्लांट को भी फ्रीज कर देता है। देख, तीन या चार ब्लॉक के बाद से ये अटैक करना चालू करता है, और अच्छा हुआ तुरंत मर गया वो। हाँ भैया, देखिए अब आपके प्लांट फ्रीज भी होते जा रहे हैं, तो जल्दी से हॉट पोटैटो यूज करके उनको अनफ्रीज कर दीजिएगा भैया। ओए ठीक है, रुक जा, अभी तो मेरे पास एक और प्लांट फूड आ गया, दो प्लांट फूड है, इसको मैं बाद के लिए यूज़ करूँगा। अभी मैंने एक वॉलनट रखा हुआ है, पर ये मंकी वाला ज़ॉम्बी बहुत परेशान कर रहा है, इसको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, कितना ख़तरनाक है ये, हमारे प्लांट्स को फ्रीज कर देता है, मरता भी नहीं है जल्दी। ओए मेरे एक और प्लांट फ्रीज हो गया, बाप रे। कोई नहीं भैया, अभी एक यूज आना बाकी है। देखिए हॉट पोटैटो यूज़ करके आपने उसे फ्रीज कर दिया, बहुत बढ़िया भैया। देखिए अब एक बस फाइनल रिवाज है, उसके बाद फिर हम आराम से खेलेंगे भैया। देखिए वो फ्री से फिर फ्रीज कर दिया भैया, उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। देखिए उस लाइन में केवल एक ही पी शूटर था, तो अब अच्छा किया भैया आपने एक डबल पी शूटर को वहाँ रख दिया है। ओए देख, फिर से कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, ये मंकी वाला ज़ॉम्बी बहुत ही परेशान कर रहा है। ओए अब यूज़ करूँगा अपने प्लांट फूड्स को, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देख कितने, एक फिर से फ्रीज कर दिया, ये मंकी बहुत ख़तरनाक है। अब की बार तो बहुत सारे आ रहे हैं, इतने सारे ज़ॉम्बी, बाप रे, और ये तुरंत ही फेंक कर उन्हें फ्रीज करता जा रहा है। तो अब लगभग दो मंकी और बाकी है, साथ में एक बकेट हेड वाला है, तो उसके लिए तो प्लांट फूड यूज़ करता हूँ मैं। हाँ भैया देखिए, कितने सारे ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, लेकिन ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओए हाँ, मुझे भी लगता है कि आराम से ये लेवल हो जाएगा, क्योंकि दो ही मंकी बाकी है, इसमें से एक ख़त्म हो गया, दूसरा भी हो गया, तो ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। और ये कौन सा दिन था, डे फोर था, ओके चार को हमने किया है, तो ये जो मंकी वाला हेड वाला था उसका हमें कुछ मिला है। ओके ये मंकी नहीं है, इसके सिर में तो ये शेर वाला रखा हुआ है, इसके दाढ़ी काने मंकी लग रहा था। ओके लेकिन बहुत खतरनाक है, ये शेर की खाल पहन के रखा हुआ है, बाप रे बाप।
हाँ भैया देखिए बहुत सारे प्लांट मिले हैं आपको। ये सन ऑनियन है भैया, ये बाद में ही अनलॉक होगा। ये क्या है भैया? रोटोभांगा। ओके रोटोभांगा, पता नहीं भैया कैसे कैसे प्लांट है, आगे देखेंगे। ओए ठीक है, दो लेवल हमने आराम से क्रॉस कर लिए, यानी कि चार तक पहुंच गए हम। अभी चार और बाकी है तब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हमारे हैं जो कि फ्रीज हो चुके हैं, उनको अनफ्रीज करना पड़ेगा। और केवल एक ही जगह एरो का निशान है, नहीं दो जगह है एक्चुअली। हाँ भैया जल्दी जल्दी अनफ्रीज कीजिएगा भैया, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। और ये डे फाइव है भैया, देखिए आपको एक नया प्लांट मिला है भैया, ये है चिली वाला भैया। ये इसका एक खासियत होता है भैया कि जहाँ भी ये रहता है उसके आसपास के प्लांट्स को ये पिघलाता है भैया, देखिए उनको अनफ्रीज करना चालू करता है, वो सबसे अच्छी बात है भैया। देखिए अब जैसे जैसे आते जाएंगे आप इन्हें रखता जाना भैया, आसपास के चार पांच ब्लॉक को ये आराम से गर्मी देता है भैया। ओए वो तो ठीक है, लेकिन और कोई प्लांट क्यों नहीं आ रहे हैं? इसमें बहुत टाइम लग रहा है प्लांट्स को आने में। अरे ऐसे में तो मेरे ज़ॉम्बी आते जाएंगे और हम उसे मार नहीं पाएंगे। हाँ भैया पता नहीं क्यों इसमें इतने टाइम लग रहा था ये प्लांट्स को आने में, पर कोई बात नहीं भैया अभी प्लांट आ गए हैं तो करते हैं। ओए ठीक है अब इनको लगा दिया। देख यहाँ पर हमारा एक बोंग चॉय है, बहुत मार रहा है, लेकिन कोई बात नहीं उसे भी हटा दिया। अभी मेरे तीन बोंग चॉय है जो कि अनफ्रीज नहीं हुए हैं, अभी वो अनफ्रीज होते तो इन ज़ॉम्बियों की खटिया खड़ी कर देते। कोई बात नहीं उन्हें अनफ्रीज करने के लिए इसको लगा देता हूँ, ये तीनों के तीनों को एक साथ अनफ्रीज कर देगा। और ये फिर से ये ज़ॉम्बी आ गए, वो भी इतने पास आ गए, कोई बात नहीं अभी हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं उनको लगाते जाएंगे हम। अब तो मेरे बहुत सारे प्लांट भी अनलॉक हो गए हैं जो फ्रीज हो गए थे, तो ये अच्छा बात है। बीच में बस मुझे ये लगता है कि ये चिली वाले की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर मेरे जो प्लांट्स हैं वो अनलॉक नहीं हुए हैं, यानी कि फ्रीज पड़े हुए हैं। ओए देखिए पटेटो वाला भी आ गया, बहुत गुस्सा आता है मुझे इसे देख के, पटेटो ये सॉरी ये शेर वाला फिर से हमारे प्लांट्स को फ्रीज करना चालू करेगा। लेकिन इस बार अच्छा है कि हमारे पास ये चिली वाला है जो कि लोगों को गर्मी दे रहा है, तो मेरे सिर्फ अभी तक फ़िलहाल में एक ही प्लांट है जो ऐसे फ्रीज है और उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी प्लांट मेरे ठीक है और सब सही जगह पे है, तो लगता है कि ये अभी पहला ह्यूज वेव गया है, अभी सेकंड वाला भी आना बाकी है। अब जितने भी फ्रीज होते जाएंगे ये उनको फिर अनफ्रीज करता जाएगा, ये सही है। हाँ भैया एक और काम का प्लांट मिला है भैया, इसे यूज़ करके आप आराम से लेवल आगे बढ़ सकते हैं भैया। देखिए हॉट पोटैटो और ये काफ़ी काम के होंगे भैया, देखिए ये क्या भैया अब तो ये सीधा अंदर घुसना चालू हो गया है, इनके लिए तुरंत ही हमको वो प्लांट फूड यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये क्या भैया ये बकेट वाला तो आता ही जा रहा है। ओए ठीक है मैंने उससे निपट लिया, अभी देख ह्यूज वेव आने वाली है, ये फाइनल ह्यूज वेव है और सब जगह मैंने प्लांट रख दिए हैं, अभी मुझे लग रहा है कि सब सही है। अरे बोंग चॉय बहुत काम का प्लांट है क्योंकि वो एक फ्रीज प्लांट की पूरी जो आइस है उसको हटा रहा है, ये सही है। बोंग चॉय भी आसपास के प्लांट पे अटैक करता है, सिर्फ आगे और पीछे करता है वो बात अलग है, लेकिन आगे और पीछे दोनों की ख्याल रख लेता है, ये अच्छी बात है। हाँ भैया ये तो है, देखिए अब खूब सारे प्लांट आ रहे हैं, ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, और फाइनल वे भी लगभग ख़त्म हो गई, तो ये लेवल भी आराम से क्रॉस हो गया भैया। बस एक ही वो बाकी है ज़ॉम्बी, दो ज़ॉम्बी इवन बाकी है, बस वो हो जाए तो फिर हम जीत जाएंगे। उसमें से भी एक गया, दूसरा भी चला गया भैया, बढ़िया है ये लेवल भी आराम से क्रॉस कर लिया भैया आपने। वाह ओए हाँ डे फाइव भी ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, मुझे तो इसके ज़ॉम्बीज और प्लांट्स को देख के मज़ा आ रहा है, कितने वैरायटी के हैं, बहुत मज़ेदार है। हाँ भैया ये तो है, बढ़िया है मज़ा आ रहा है इनको देख के भैया, और डे फाइव भी ख़त्म हो गया, अभी देखते हैं आगे कौन सा प्लांट अनलॉक होगा। बैग ऑफ कॉइन हमको मिला है भैया, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगले लेवल पे हमको क्या मिलेगा भैया। ओके सर्वाइव द ज़ॉम्बी अटैक विद मोस्ट प्लांट पिक फॉर यू। ओके भैया इसमें पहले से प्लांट है भैया, तो उस बाकी बचे प्लांट में से यूज़ करके हमको करना होगा। देखिए इसमें से चार प्लांट हमारे लॉक्ड है भैया, यानी कि एक सनफ्लावर हमारे पहले से है, ये चिली वाला जो फ्लावर है वो भी हमारे पास में है भैया, एक हॉट पोटैटो है और एक टॉलनट है, बाकी प्लांट हमको यूज़ करके फिर खेलना होगा। ओए ठीक है सबसे पहले ये पी शूटर ले लेता हूँ, उसके बाद सोचना पड़ेगा क्या करूँ, और ये बैंक बोंग चॉय ले लेता हूँ, अब खेल के देखते हैं। ओए ठीक है
सबसे पहले मैं सनफ्लावर प्लांट करता हूँ। और मेरे पास सनफ्लावर तो और भी हैं जो फ्रीज हैं, उसके लिए मेरे पास बस हॉट पोटैटो आ जाए, उसके बाद उनको भी अनफ्रीज कर दूँगा। वो देख, हॉट पोटैटो आ गया, पहला तो अनफ्रीज हो गया, बढ़िया है। अब उसमें से कुछ मुझे सन मिलने लगेंगे। अब एक काम करता हूँ, पी शूटर रख लेता हूँ। वैसे तो दो दो आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं। एक साइड यहाँ लगा लेता हूँ, फिर दूसरे साइड दूसरा भी लगा लूँगा। पहले यहाँ पर ये वॉलनट टॉलनट रख देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर पी शूटर रख दिया। अब जैसे ही मेरा दूसरा हॉट पोटैटो आ जाएगा, इसको भी अनफ्रीज कर दूँगा। वाह भैया, बढ़िया है। लेकिन बीच में देखिए भैया, बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, वो भी एक साथ, और आपके जो प्लांट है वो भी फ्रीज होते जा रहे हैं भैया, उनको बचाना होगा। वह ठीक है, उसके लिए तो चिली वाला लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चिली वाला बहुत महंगा है। अरे भैया देखिए, इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, जल्दी मारिए भैया उनको। ओए रुक जा, मारता हूँ। अरे एक बार ये चिली वाला चालू हो गया, बढ़िया है, लगता है अच्छा काम करता है। बट अभी मुझे टॉयलेट रखना था, और टॉयलेट अभी है नहीं मेरे पास में। और सबसे अच्छा है कि इसको ये फ्रीज नहीं कर पा रहा है। हाँ भैया ये तो है, जल्दी जल्दी मारिए भैया। देखिए और भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और हमारे पास अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है भैया। ओ ये गेम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। बॉन्ग चॉय मैंने लगाया मुश्किल से, और सबसे मुश्किल तो ये स्नो फेंकने वाला कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को फ्रीज करता जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और इसमें ज़ॉम्बीज झुंड बनाकर इतने तेज़ी से आते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना उनको। हाँ भैया मैं तो बोलता हूँ जल्दी से बॉन्ग चॉय रखते जाइए भैया, जो आपके टॉयलेट है उसके पीछे में, वरना देखिए ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं। और जल्दी से यूज़ कीजिए भैया प्लांट फूड को, वरना ये आपके प्लांट को खा जाएंगे भैया। ओए रुक जा, करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, हर तरफ से आ रहे हैं, कहाँ पर रखूँ सबसे पहले। ये देखिए तो और भी पास आ गए, इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक शॉक यूज़ करना पड़ेगा। ओह बहुत ही पास आ गए इन लोग, ये अभी मार देता हूँ इनको मैं, ये देख। बाप रे भैया, बहुत क्लोज कॉल था, अच्छा हुआ लेकिन आपने टाइमली वो इलेक्ट्रिक वाला ले लिया। कोई बात नहीं, थोड़े पैसा खर्च हुए तो क्या हुआ भैया, हम बच तो गए ना। ओ हाँ, बट ये जो जिसने चुना है बहुत मुश्किल चुना है, क्योंकि इससे हम जीत नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ भैया ये तो है, देखिए ये इससे जीतना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है भैया। अरे भैया ट्राई करेंगे, देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी एक साथ आ रहे हैं भैया, और लगातार ये मंकी हेड यानी कि वो जो फेंकने वाला है वो लगातार फ्रीज करता जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है भैया, वो इनका कोई सलूशन निकालना पड़ेगा, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। पर कोई बात नहीं, हम जीतेंगे, देखना प्लांट फूड भी मेरे पास आ गया है, और अभी तक जो फाइनल वेव है वो नहीं आई है। दो वेव में से एक वेव आ चुकी है जिसको हमने आराम से संभाल लिया, पर अभी दूसरी वेव बाकी है। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि अपना जो स्पाइक पीड है वो भी जम जाता है और काम नहीं करता है। हाँ भैया ये तो है, स्पाइक वीड काम नहीं करता भैया, इसलिए तो ज़ॉम्बी जल्दी मर नहीं रहे, वरना अपने स्पाइक वीड तो हर जगह लगा के रखी है भैया। ओए हाँ ये होना था कि जो ज़मीन में ज़ॉम्बी है, जो ज़मीन में प्लांट है उनको असर नहीं करना था, पर ये तो हर एक को फ्रीज करता जा रहा है। चल कोई नहीं मुन्ना, ये लास्ट में ज़ॉम्बी आ रहे हैं, फाइनल वेव है, कितना देर टिकेगी अभी बताते हैं इनको। हाँ भैया बस ये लास्ट ज़ॉम्बी है, ये लेवल क्रॉस हो जाए भैया तो डे 6 भी ख़त्म हो जाएगा भैया, फिर हमारे पास 2 लेवल बाकी रहेंगे, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे भैया, बाकी अगले पार्ट में खेलेंगे भैया, अगले वीडियो में खेलेंगे। ओए ठीक है, बस ये भाई फेंकने वाले बाकी हैं, ये मर जाते तो मेरा काम हो जाता। हाँ भैया ये तो है, बड़े दुष्ट हैं भैया, लगातार स्नोबॉल फेंकते रहते हैं और हमारे प्लांट्स को जमाते रहते हैं भैया, और दूर से ही जम फेंकते रहते हैं, पास भी नहीं आते हैं, वरना हमारा बॉन्ग चॉय उनका जबड़ा तोड़ देता भैया, और कहाँ बच कर जाते हमारे जो सिंगल प्लांट है, वो तो उनको मार नहीं पा रहे हैं भैया। लेकिन कोई बात नहीं भैया, एक ही बाकी है, इसको फिनिश करते हैं फिर हम जीत जाएंगे। ये लेवल भी क्रॉस हो गया भैया, डे 6 ख़त्म हो गया। ओए क्या बात है, डे 6 भी ख़त्म हो गया, और फाइनली हमको रिवॉर्ड में ये मिला है, इसका नाम देखना पड़ेगा क्या है भैया। इसका नाम है पेपर पल्ट, ये पेपर फल फेंकता है भैया।
तो ये वाला लेवल तो पार हो गया भैया। अब देखते हैं अगला चैलेंज कौन सा है, आगे क्या करना है हमको। तो देखिए भैया, डे 6 खत्म हो गया, अब डे 7 है भैया। देखिए इसमें अभी भी हमारे प्लांट्स फ्रीज है भैया, और दो छोटे छोटे येती भी हैं। कोई बात नहीं भैया, इसको भी हम पार करेंगे। और इसमें एरो पे ध्यान दीजिए भैया, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है उस हिसाब से अपने प्लांट को प्लान कीजिए भैया। और वहीं पर टॉल नट रखिएगा या वॉलनट रखिएगा भैया। ओए ठीक है, सबसे पहले सनफ्लावर, फिर ट्विन सनफ्लावर रखता हूँ, उसके बाद वॉलनट रखता हूँ, और ये हॉट पोटैटो रखूँगा, और ये पेपर पल्ट रख देता हूँ ताकि मेरे प्लांट फ्रीज ना हो। और वॉलनट रख लिया, अब सोचने दे, पी शूटर रख लेता हूँ। अब क्या बचा, मेरे ख्याल से बोंग चॉय रख लेता हूँ। चल अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, मुझे भी लग रहा है ठीक है। चलिए भैया अब स्टार्ट करते हैं। बोंग चॉय की जगह मेरे ख्याल से अगर आप इसको लें, ब्लूम रैंक को लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा भैया, क्योंकि ब्लूम रैंक जो है वो एकदम दूरी का वार करता है भैया, और जो बोंग चॉय है वो तो एकदम पास वाले को ही मारता है। तो देखिए भैया, हमने खेलना चालू कर दिया और सनफ्लावर लगा दिए भैया। ओए हाँ, सनफ्लावर लगा दिए। अब पहले जल्दी से हॉट पोटैटो रख देता हूँ ताकि ये फायर करना चालू करे। हाँ भैया, देखिए ये एरो के जस्ट सामने है भैया, फिर हम भी खसक के दूसरे टाइल में चले जाएंगे भैया, और उसके बाद फिर वहाँ से होते हुए और वापस उसी टाइल में आ जाएंगे भैया। ये कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। ओए देख, मैंने डबल सनफ्लावर लगा दिए, ये अच्छा है, अब हमको सन्स की कोई कमी नहीं होगी। और अब मैंने यहाँ पर एक टॉल नट लगा दिया है, सॉरी एक वॉलनट लगा दिया है, ताकि ये खसक के अगर इधर आए तो अब इसके वॉल सामने ये वॉलनट आ जाए। अरे भैया ये क्या है, ये जॉम्बी तो उड़ते हुए आ रहे हैं भैया, कहीं से भी आ जा रहे हैं, और ये तो ठंडी हवा भी चलने लगी भैया। हमारे प्लांट फ्रीज होने चालू हो गए हैं। देखिए भैया, ये बीच वाले टाइम में जो येती आ रहा है, इसके लिए हमने कुछ नहीं लगाया है, यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। ओए रुक जा मुन्ना, मुझे पहले समझने दे, क्योंकि अभी तक तो ये गेम हमें टाइम ही नहीं दे पा रहा है, अगर टाइम नहीं देगा तो हम खेलेंगे कैसे। हाँ भैया ये तो है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 काफ़ी फास्ट गेम है, जल्दी जल्दी आपको सोचना पड़ता है भैया, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ओए ठीक है, वहाँ वॉलनट रख देता हूँ, वहाँ ज़ॉम्बी बहुत बाहर आ रहे हैं, वहाँ पर एक वॉलनट की ज़रूरत है। पर ये क्या, ये तो फ्रीज करने वाला वापस आ गया और फ्रीज करता जा रहा है, मुझे लगता है प्लांट फूड की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ भैया जल्दी से प्लांट फूड यूज़ कीजिए, देखिए ज़ॉम्बी आपके घर में आते जा रहे हैं भैया। ओए रहने दे, लगता है बिना प्लांट फूड के काम चल गया, तो फिर भी मैंने एक यूज़ किया था। बढ़िया है भैया, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी अभी भी खड़े हुए हैं, और ये इधर आ जा रहे हैं, तो अभी लगता है भैया यूज हेट के पहले हम काफ़ी कुछ तैयार हो जाएंगे। पर एक साइड में ही 3 ये बम फेंकने वाले ज़ॉम्बी हैं भैया, ये आइस फेंकते जा रहे हैं, तो इससे हमारे प्लांट फ्रीज होते जा रहे हैं भैया। ओए सही में इसके लिए कोई प्लांट मिल जाता तो अच्छा रहता, कि ये बहुत परेशान करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ओए ह्यूज वेव के पहले इतने सारे ज़ॉम्बी, ह्यूज वेव आएगी तो क्या होगा। लो भैया आपने नाम लिया, और ह्यूज वेव हाजिर भैया, देखिए इतने सारे ज़ॉम्बी आ गए भैया। ओए ये कितने सारे ज़ॉम्बी है, बाप रे बाप इतने सारे ज़ॉम्बी। हाँ भैया देखिए कितने सारे ज़ॉम्बी है, लेकिन हम भी कम नहीं है भैया, हमारे पास भी पूरे प्लांट फूड रखे हुए थे पर अब ख़त्म हो गए भैया, पर भी हम जीत जाएंगे भैया, क्योंकि कुछ ही ज़ॉम्बी बाकी है, उधर सबसे ऊपर वाले टाइल में है, और फिर बीच वाले में, और सबसे नीचे वाले में भैया। ओए हाँ तो है तो, लेकिन हमारे पास प्लांट फूड नहीं है, प्लांट फूड होता तो ये तुरंत ही मर जाते। अरे भैया मुझे नहीं लगता प्लांट फूड की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए कितनी आसानी से मरते जा रहे हैं, बस ये कुछ ही ज़ॉम्बी बाकी है, बस हमारा काम हो गया भैया, और डे 7 भी ख़त्म हो गया भैया। वाह, ओए हाँ एक लेवल और बाकी है, उसके बाद ये वीडियो हम एंड कर देंगे, ताकि हम एक बार में 8 लेवल को कवर कर पाए, और 3 पार्ट में ये जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो पाए। बढ़िया है भैया, ये चार्ट गार्ड कुछ है भैया, वो 4th लेवल के बाद मिलेगा भैया, 4 लेवल के बाद, अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है। आगे चलते हैं भैया, देखते हैं आगे के लेवल में क्या होता है। ओ ये तो और ख़तरनाक पजल है, मुझे समझ नहीं दे, बीच वाले को अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा,
ताकि ज़ॉम्बी बीच में मत आए। ओ ये तो स्लाइडर चल रहा है, एक मिनट मुझे समझने दे। अरे ये तो लॉन्ग रेंज का है ही नहीं, अब क्या करेंगे, इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, कहाँ कहाँ रखना है। हाँ भैया मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़े अजीब टाइप के हैं भैया, बॉम्ब चॉइस से क्या हो जाएगा, हमें तो लॉन्ग रेंज की चाहिए ना भैया। देखिए एक ज़ॉम्बी तो एकदम पास आ गया है, और वॉलनट रखना पड़ेगा भैया, जल्दी से रख लीजिए, और हमारे प्लांट फ्रीज भी होते जा रहे हैं। ओ यहाँ देख रहा हूँ, और स्लाइडर में आते जा रहे हैं प्लांट, ये अच्छा है कि हमको उड़ा के पीछे कर सकते हैं, तो इनको भी उड़ा के सबको पीछे कर देता हूँ, और बाकी मैं ये चिली वाले रख देता हूँ, ताकि चिली वाले उनको गर्म करते रहे। अरे भैया वो चिली वाला नहीं है, वो पेपर पल्ट है, नाम नहीं जानते क्या भैया। ओए जानता हूँ पर कोई बात नहीं, चल अभी तो गेम चल रहा है। ओ देख हमारे और भी ज़ॉम्बी आते जा रहे हैं, एक तो प्लांट फ्रीज भी हो गया, और इन्होंने प्लांट को ख़त्म भी कर दिया, बाप रे इनको उड़ा के पीछे करना पड़ेगा, तब काम बनेगा, और इतने सारे स्टॉर्म में से अचानक ज़ॉम्बी आ जा रहे हैं। हाँ भैया पर आपके स्लाइडर में बहुत सारे प्लांट हो गए हैं भैया, आप कहीं भी किसको भी प्लांट कर सकते हैं भैया, बस ये पोटैटो माइनर का कोई मतलब नहीं है भैया, इनको कहाँ भी प्लांट करेंगे, और जल्दी से भैया ये पेपर पल्ट को लगाते जाइए, लेकिन इन लोग इतना पास आते जा रहे हैं कि इनको हटाना मुश्किल होता जा रहा है भैया। देखिए ऊपर वाले से तो और भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं भैया। ओए तो फिक्र मत कर मुन्ना, मैं सबका इंतजाम करूँगा, सबको किससे पीछे करता जाऊँगा ताकि प्रॉब्लम ना करें, अभी तो सब सही चल रहा है, देख एकदम बराबर चल रहा है, अभी पहला ह्यूज वेव आने वाला है, उसके लिए मैंने पोटैटो रख दिया है, लेकिन ये क्या सभी ज़ॉम्बी उसको क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। तो लीजिए भैया हमने उसको पीछे कर दिया, जितने भी ज़ॉम्बी आएंगे हम उनको उड़ाकर पीछे कर देंगे भैया, आने दीजिए जितने भी ज़ॉम्बी आते हैं, अपना बराबर चल रहा है भैया, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए ये रॉन्ग चॉइस तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया, बॉक्सिंग पे बॉक्सिंग मार रहा है, देखिए कितना अच्छा है, और बाप रे ये ज़ॉम्बी तो अंदर तक घुसते जा रहे हैं भैया, ये दिक्कत की बात है, इतना अंदर तक आएंगे तो कैसे चलेगा भैया। देखिए बढ़िया खेल रहे हैं भैया, अभी तो थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद एक फाइनल वेव आएगी भैया, देखिए नीचे वाले में कितने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं भैया, और फिर से वो फेंकने वाला आ रहा है भैया, सबसे मुश्किल काम। ओए हाँ ह्यूज वेव कभी भी आती होगी, और ऊपर और नीचे में हमारे खूब सारे ज़ॉम्बी हैं, देख अभी सबको मारना पड़ेगा जल्दी से। हाँ भैया आपके पास तो केवल पोटैटो माइन है, इतने सारे भैया क्या करेंगे, कोई अच्छे प्लांट भी देता तो मज़ा आता भैया, जैसे कि पेपर पल्ट, लेकिन पेपर पल्ट तो आ ही नहीं रहा है भैया, देखिए इतने सारे ज़ॉम्बी एकदम पास आते जा रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा भैया, देखिए। ओए कभी भी ह्यूज वेव आने वाली है तो उसके लिए तैयारी तो है ना, देख लगभग इतने ज़ॉम्बी बस बाकी हैं, इनको अभी हराएंगे हम, और जैसे ये फैन आता जाता है उनको उड़ा के हम पीछे करते जाते हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा। अरे भैया आप किस ह्यूज वेव की बात कर रहे हैं, पहला ह्यूज वेव तो निकल गया भैया, फाइनल ह्यूज वेव यही है भैया, इतने सारे ज़ॉम्बी है, बस इन्हीं को मार देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए बार बार इनको फ्रीज करते हुए पीछे ले जाइए भैया, जब भी फैन आता है तो ये पीछे हो जाएंगे, तो हमको काफ़ी टाइम मिल जाएगा भैया, यहाँ पर एक और वॉलनट रख दिया, बढ़िया है, अभी इनको भी पीछे ढकेलते हैं, तो बीच वाला ज़ॉम्बी तो मर गया, बस ऊपर और नीचे के ज़ॉम्बी बाकी हैं भैया, यही बस टाइम ले रहे हैं, बस ये ख़त्म हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए ऊपर में तो उनके ऊपर अटैक करने वाला कोई नहीं है भैया, केवल बॉम्ब चॉय है, और बॉम्ब चॉय तो पास से अटैक करता है, तो ऊपर वाले ज़ॉम्बी कैसे करेंगे भैया, अच्छा किया वहाँ पोटैटो माइन लगा दिया भैया, और उड़ा दीजिए भैया उनको जल्दी से। कोई देखता जा तू मेरा प्लान क्या है, देख पोटैटो माइन अब एक्टिव हो गया है, अब जितने भी ज़ॉम्बी हैं जैसे ही उसके ऊपर कदम रखेंगे वो पूरे के पूरे फट पड़ेंगे, और ऊपर वाले ज़ॉम्बी तो मर जाएंगे, नीचे वाले के लिए मेरे पास तो कम से कम एक जो पेपर पल्ट है वो उनका खात्मा कर देगा, देखा कैसे ऊपर वाले मर गए आराम से। हाँ भैया नीचे वाले के लिए भी कुछ कीजिए भैया, बहुत टाइम लग रहा है उनको मारने में, लेकिन चलिए अच्छा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे भैया। ओए हाँ लगभग ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ दो तीन बाकी हैं, बाकी पेपर पल्ट अच्छा काम कर रहा है, अभी मुझे कोई फाइनल वाला प्लांट नहीं मिल रहा है, वरना मज़ा आ जाता, अब इनको आने दे, पोटैटो माइन एक्टिव हो गया है, तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएंगे, और ये देख ये हुआ ब्लास्ट और सबके सब मर गए, क्या बात है, बस वो
जो ये था ये भी खत्म हो गया। क्या बात भैया, फाइनली हमने 8th डे भी क्रॉस कर लिया भैया, बढ़िया है, मजा आ गया भैया। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।